नहीं, अभी तो हमको यहाँ की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के जो भी अफसर आए हैं उन्होंने हमको सब तरीके से समझा दिया और कोई दिक्कत भी नहीं। यहाँ पानी की, रहने की या बिजली की या कोई भी हो, उन्होंने इधर जाने का नहीं उधर जाने का नहीं ये भी बताया है। सब यात्री के लिए, सब सुरक्षितता के लिए उन्होंने गार्ड लगा दिए। हमारी यात्रा शुभ सुखकारक हो या मंगलमय हो, इसलिए उन्होंने सब तरीके से हमको सहायता के लिए आश्वासन भी दिया है। हम तो बोलेंगे कि आप आ जाओ, अमरनाथ यात्रा करो, और अपने भारत सरकार ने और यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने सब व्यवस्था आपके लिए किया है और सब सुरक्षा भी दिया है। आज तो हम रात को यहाँ रुकेंगे, कल सुबह हम जम्मू चले जाएंगे, वहाँ से हम अमरनाथ के लिए साइन बोर्ड के तरफ से निकल जाएंगे। खाने पीने की कोई हमारे को परेशानी हुई नहीं। जहाँ भी हम रुकते हैं वहाँ के नंगर वाले जो भी हैं वो हमारे को मेहमान जैसे ही मानते और हमको हाथ जोड़ के बुलाते, आ जाओ खा जाओ, और भोले का नाम, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बाथरूम को भी बहुत हैं और पानी भी बहुत हैं, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ के जो नंगर वाले वो भी हमको बार बार पूछते हैं कि आपको कोई कमी पड़ी तो हमको तुरंत बोलो, हम आपको सहायता पूरी करेंगे। मेरा नाम सुप्रिया अतुल गुले, मैं पुणे से हूँ, हड़पसर। वहाँ पे हमें पुलिस प्रोटेक्शन है, हमारे साथ हमारे काका है, उन्होंने भी पूरी यहाँ की जानकारी दी है क्या करना है क्या नहीं है। यहाँ पे लंगर की भी व्यवस्था अच्छी तरह से है, बाकी सब अच्छी है व्यवस्था यहाँ पर। अभी हम आज के दिन ही यहाँ पर ठहरेंगे, कल यहाँ से निकलेंगे। कोई दिक्कत हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी यहाँ पे प्रशासन ने भी हम ठीक व्यवस्था की है, मीन्स वॉशरूम का है, सिक्योरिटी है, पानी है, खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, मीन्स लंगर की सुविधा है। हम यहाँ पे सेफ है, ये तो पॉजिटिव है। और यात्रा जो चल रही है वो अच्छी तरह से चल रही है, आप और सुरक्षित हैं हम, और यात्रा का आनंद भी ले रहे हैं। और पूरे देशवासियों के लिए मैसेज रहेगा मेरा कि आप आ जाओ और ये यात्रा का आनंद ले।